हेलो दोस्तों, ये है करियाला, करियाले की कलियाँ। ये एक पेड़ के ऊपर लगती हैं, टहनियों के ऊपर। ये ऐसी कलियाँ होती हैं, ये देखिए ऐसी कली होती है, फिर कली फूल खिलकर ऐसे फूल बन जाती है। ये देखिए ऐसे फूल बन जाते हैं दोस्तों। ये जो कली होती है, इसकी सब्जी बनती है, इसको उबाल कर सब्जी बना सकते हैं, और इसका रायता बना रायते में डाल सकते हैं इसको। ये एक औषधीय चीज़ होती है, ये मार्च के महीने में लगती है पहाड़ी में, और ये बड़ी औषधीय चीज़ होती है, एक ज़रूर खानी चाहिए। ये पहाड़ों में मिलती है ये कलियाँ हैं, इनको अच्छे से चुन के साफ करके पानी में उबाल कर फिर इसका रायता बनेगा। आप इसमें सब्जी भी बना सकते हैं, औषधीय चीज़ होती है ये, पेड़ों के ऊपर लगती है, बिना किसी दवाई खाद के ये तैयार होती है, गर्म होती है, थोड़ी गर्म चीज़ होती है, इसलिए इसको उबाल कर खाते हैं। 15 दिन इसका रायता लगातार खाने से थायराइड की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है, ऐसा कहते हैं। तो ये हम लाए हैं पेड़ से उतार कर, बहुत मेहनत करके हम इसको लेके आए हैं। अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे और रायता भी बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, अभी हमने इसको पेड़ से लाया, अब इसमें कीड़े भी होते हैं, हम उसको अच्छी तरह से इसकी पहले छंटाई करेंगे, फिर इसकी इसको पानी में अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद फिर हम इसको फ्रिज में लगा देंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके इसको खाएंगे। तो दोस्तों ये फूल देखिए, ये आजकल के मौसम में अगर आपके आपको कहीं दिखते हैं तो आप इसकी कलियाँ, अभी ये एक हफ्ता तक ही रहेंगे, फिर ये फूल बन जाएंगे और गिर जाएंगे। उससे पहले इसको कंज्यूम करना होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, फिर अगले साल ही निकलेंगे। तो आप लोग दोस्तों जल्दी से मेरी वीडियो को शेयर कर दो, और जो भी लोगों को आसपास घरों के आसपास दिखे वो इसकी सब्जी बना के खा सकते हैं। बहुत औषधीय चीज़ होती है, नेट पर आप इसको सर्च कर सकते हो, करियाला इसको बोलते हैं, इसका नाम है करियाला, करियाले के फूल, करियाले की कलियाँ। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद। इस तरह से हम इसको अच्छे से धो लेंगे दोस्तों, इसको 2-3 बार हम धोएंगे। अभी मैं एक बार इसको धो रहा हूँ, ताकि इसमें जो भी कीड़ा अगर कोई है तो वो निकल जाएगा। इसमें छोटे छोटे कीड़े हो सकते हैं, क्योंकि आजकल छोटे छोटे कीड़े बहुत होते हैं। देखो कितना गंदा पानी है, इसका कलर भी थोड़ा निकल गया है, और इसमें से थोड़ी धूल भी हो सकती है, और इसमें थोड़े कीड़े हो सकते हैं। देखो कितना गंदा हो गया है, पानी का रंग कितना गंदा हो चुका है। एंडू से करो, एंडू से ये हमारे काम का नहीं है, इसमें से ये निकालना है बेटा, सिर्फ ये निकालो, बाकी ये गंदा है। हाँ जी,
इसको ऐसे से कर लेंगे ऐसे से। किसी भी चीज को यूज करने से पहले उसको अच्छी तरह से धोना जरूर चाहिए दोस्तों। देखो आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी है ये, देखो कितना गंदा पानी हो चुका है। अभी इसको एक बार हमने धोया, अभी इसको एक बार और हम वॉश करेंगे। ये देखो कितना गंदा पानी हो गया है, इसलिए हम इसको एक बार धोएंगे। नीचे नहीं गिराना है,